एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। सो गाइज, सुबह के 7 बज चुके हैं और आरू भी सो के उठ चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी आरू कैसे रेडी होता है, कैसे नहीं होता है। और हाँ, व्लॉग के अंत में आज आरू ने एक पहेली भी पूछी है जिसका जवाब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि बूजो इंजेक्शन से कितना डरती है, और दिखाऊंगी आपको प्रॉपर तरीके से। सो गाइज, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बूजो से मिलवा देती हूँ। बूजो सो के उठ चुकी है। बूजो वैसे तो जल्दी उठ जाती है। गुड मॉर्निंग बूजो। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी अच्छा बच्चा हो गया ना हमारा, है? ये देखो कैसे नोजी हो गई है हमारी बूजो की। ठीक, अभी हमारी बूजो बिल्कुल फिट हो गई है। ये देखो, अच्छा बच्चा हो गया ना बूजो। अच्छा बच्चा, शैतान बच्चा, अच्छा बच्चा, शैतान बच्चा, अच्छा बच्चा, शैतान बच्चा। कैसे देख रही है, दूर दूर से देख रही है। आरू रेडी हो रहा है, ये देखो क्या के लिए लंच बना दिया है। यहाँ आरू हो रहा है रेडी। हेलो बोलो आरू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। अब ये देखो हमारा आलू बड़ा हो गया है। देखो शो के उसके ना के धोके सब कुछ रेडी है, खुद ही हो जाता है ना। पहले जब छोटा था तो मैं करती थी आलू को रेडी, अभी खुद ही कर लेता है सब कुछ। इधर आलू कर तो सब कुछ लेता है, बट सूज मुझे पहनना नहीं पड़ता है क्योंकि सूज के लैसेज नहीं बांधने आते आलू को। मैंने आलू के लिए लंच रेडी कर दिया है। और इधर बूझे देखो कैसे देख रही है। ये लंच तेरे लिए नहीं है, तू नहीं जाती स्कूल, आलू जाता है आलू के लिए लंच। तुझे खाना है, खाना है तुझे। कैसे देख रही है, टुकड़ 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 टुकड़। ये देखो जब स्कूल अभी एक लंच आएगा। ओके, और इधर आरू फुल रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। और इधर देखो बूजो लंच पे नजरे है बूजो की। खाना है तुझे, ले ले खा ले। ओ नो, तुझे तेरे लिए नहीं है। अभी मैं बैग में डाल देती हूँ आरू के। यहाँ आरू का बैग भी हो गया है फुल रेडी। मैंने आरू के शूज बिल्कुल चमका दिया, देखो सेट हो गए है ना आरू। आरू से लैसेज नहीं बांधने आते, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कपड़े वगैरह सब कुछ, ड्रेस वगैरह चेंज कर लेता है, ये ना लेता है सब कुछ, बट लैसेज नहीं आते आरू से बांधने। मुझे अच्छे से नहीं बांधने आते, मुझे थोड़े बहुत बांधने आते हैं। जब वो बांधता है ना आरू तो फिर खुल जाते हैं बेचारे, ऐसे लटके लटके फिरते हैं। फिर बोलता है मम्मा लैसेज बांध दो। यहाँ रेडी होके आरू कर रहा है गाड़ी का वेट, अभी गाड़ी आएगी। मैं आपको आज का सुबह सुबह का मौसम दिखा देती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। देखिए सूर्य देवता लेट निकले हैं क्योंकि 7 बजे तो निकलते हैं, कम से कम 8 बजे तो निकलते हैं सूर्य देवता। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज सुबह सुबह का। मैं मोटू बालू से मिलवा देती हूँ। मोटू बालू, इंजेक्शन लगा दूँ तेरे को? सुई लगेगी, चलो लगा देती हूँ सुई। अभी देखो इसने मेरे हाथ में सुई नहीं देखी, इसलिए आराम से बैठी हुई है, ऐसे देख रही है, खाली खाली आते हैं। अभी देखो मैं सुई लेके आती हूँ, दिखाती हूँ आपको फिर बूजो क्या करती है, क्या शैतानी करती है हमारी बूजो। अभी ये देखो मैंने इंजेक्शन ले लिया है, छुपके से लेके जाती हूँ बूजो के पास। अभी दिखाती हूँ बूजो क्या करती है इंजेक्शन को देखते ही। वैसे मैं आपको बता दूँ इंजेक्शन के काम खत्म हो गए हैं, कल तक लगे हैं बूजो को इंजेक्शन। खाने की दवाई ही चल रही है, काफी तक आराम है बूजो को। सो लेट्स गो गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको रिएक्शन बूजो के इंजेक्शन देखते ही कैसे फिरती है बागी बागी। बूजो मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, दिखाऊँ? चलो इंजेक्शन लगा देते हैं, चलो बूजो को लगा देते हैं इंजेक्शन। ये देखो इंजेक्शन खत्म, ये बुद्ध काट। चलो इंजेक्शन लगवाओ, अभी लगवाना तो पड़ेगा। कहाँ जा रही है बूजो? इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये देखो इंजेक्शन और ये देखो बूजो। चलो भाई लगा देती हूँ, सुई लगानी है तुझे। ये देखिए गाइस, सर्राट से कैसे भागी भागी फिरती है बूजो, बिल्कुल इसके ऊपर कले गई कैप उसी को चबा रही है। और इंजेक्शन को देख रही, टक्कर मारेगी मुझे, टक्कर मारेगी। मैं तुझे सुई लगाऊंगी, तो मुझे टक्कर मारेगी, हटो शैतान बच्ची। इधर आरू गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आज आरू जल्दी रेडी हो गया। ये देखो अभी फोन देख रहा है, घर हमारा सुबह सुबह अस्त व्यस्त है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। देखो डंडा तोड़ फोड़ के कैसे भगा दिया बूजो ने, देखो सारी शैतानी इसकी होती है। अभी इंजेक्शन कौन मिल गया, ये भी देखो चबा के फेंक दिया बूजो ने। अभी देख रही है शैतान बच्ची, ये टाटा किसको लगेगा, ये टाटा किसको लगेगा, शैतान बच्ची ये टाटा किसको लगेगा, ऐसे लगेगा। मारो तेरे को, मारो मैं, ये लो। अच्छा उधर चली जाएगी तू पीटने के डर से, मैं तेरे को मां भी मार सकती हूँ, आके लाओ मारो इसको। तो ये देखिए गाइस, खाट के नीचे बैठ गई है पिटने के डर से, अपना वो इंजेक्शन का वो भी ले आई है जो चबा रही थी। देखो कैसे बैठ गई है, यहाँ बच जाएगी तू, मैं अभी मार सकती हूँ तुझे, मैं यहाँ भी मार सकती हूँ तुझे। हमारी बूजो का खाना आ चुका है, अभी बूजो खा रही खाना। मैं
सकती हूँ। और क्या कर रहा है? हेलो लारू, ये देखो आपने क्या किया है, आपने बना दिया है फैमिली ट्री। ये देखिए हमारे पास ये फोटो अवेलेबल थे, यही लगा दिया हमने ट्री में। और इधर देखो सारा सामान फैला के रखा हुआ है उन्होंने। ये ग्लू, ये देखो कैसे दांत घुसा के रखे हैं, बुजुर्ग ने उठा के भाग गई थी, क्या बात थी, हमने मुश्किल से छुड़ाई थी उसके मुँह से। फैमिली ट्री हमारा कम्प्लीट है, कम्प्लीट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिया है उन्होंने, कैसा बनाया कैसा नहीं। ऐसे नहीं होता बेटा, उधर देखो मूवी चली हुई है, इधर तेरा ट्री भी बाकी है और टाइम काफी ज्यादा हो गया है, सुबह को चाहिए होगा, फिर ऐसे कैसे होगा? बस ऐसे करना होता है तुझे, शैतानी करनी होती है ना। आपको आपके फैमिली ट्री का फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये है फाइनल लुक। ओके, अभी आरू ने अपना उम्र कम्प्लीट कर लिया है। खिचड़ी, यहाँ मैंने लस्सी ले ली है और यहाँ खिचड़ी, यहाँ मेरी खिचड़ी आ चुकी है, ये बुजो की और ये दादी की खिचड़ी है। अभी मिलते हैं खाने के बाद। ये देखो बुजो अभी गर्म है खिचड़ी, बिटू ऐसे नहीं रखी, अभी ठंडी होने के लिए रखी हुई है ना दादी। So guys, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर रूल समझाए जा रहे हैं और समझा रहे हैं दादी को रूल। बता देता हूँ कि ये मैं क्यों समझा रहा हूँ और क्या खेलने वाले हैं। So guys, पिछला वाला मैच हमारा अच्छे तरीके से नहीं खेला गया था, फिर देखते सारे खेला गया था, तो मैं इसके वो विलन कर देता हूँ, इसमें मुझे रीमैच चाहिए था, तो मैंने मैजिक को चैलेंज किया है। ओके, यू बना सको या पहलू, अरे तो क्या था, यू भी कर सको और साथ में आप यू भी कर सको और यू भी कर सको, ठीक है। चलो स्टोन पेपर ना करोगे क्या? कैसे भी कर लो, तेरे चक्कर उल्टे कर देगी दादी, दिमाग मत खराब करो। ओ नो, आरु का दिमाग खराब हो जाएगा। पेपर सिदर यू है क्या? यो माजी का वन पॉइंट, मेरा भी वन पॉइंट, कैंसिल। तो अब क्या होगा? बल्ब पड़ेगा तो क्या होगा? मोबाइल देखा जाएगा, अब मोबाइल देखा जाएगा। और ये है आरू की चोटी, ये देखो कैसे क्लेचर बना के रखा है, ये स्टाइल देखो गाइस, स्टाइल देख लेना, देख लेना स्टाइल मेरा। अरे आज ये देख ले ना, हर जगह उधर बाहर ये झंडो झंडो और मुबारक के। अच्छा, और जहां लग जाओ दादी पापा जी, ओ पापा जी ना, और एक वसा लूंगा था। अच्छा, उस पहले का जवाब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग मिस मत करिएगा। और गाइस, मैं आपसे पहले पूछने वाला हूँ, हरी है भरी है बगल में छुपी उड़े खड़ी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में इस ब्लॉग में भी दे सकते हैं, और अगर आपको ना आता हो तो फिर आप नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर भी देख सकते हैं। तो गाइस, इसके साथ आज की ब्लॉग करते हैं एंड, जब तक के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस। दादी जी थोड़े से हाथ आप भी हिला लिया करो, हाथ टूट गए, नहीं टूट गए, नहीं पैर में तो पुंछ निकली हुई है, बाल तोड़ तो फिर हाथ में तो कुछ नहीं, हाथ तो हिला ही सकती हूँ, नमाज तो क्या हुआ? आज जोर सबको सलाम कर प्यारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, नमाज हो या कुछ भी हो, हाथ जोड़ के सब ईश्वर तो एक ही होता है, बता दीजिए सबका ईश्वर एक, सही बात है ना। टाटा, सी यू लेटर, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।